हो जाता हूँ। रुक जाओ अब्दुल बारी, बहुत मजा आ रहा है, ये देखो अब बस करो अब्दुल बारी, इस तरह के खेल आउटडोर है, ग्राउंड पर खेलेंगे। एक बार आपा, अब देखना कितना ऊंचा उछलूंगा मैं। अब मैं अब्बू से शिकायत कर दूंगी, तुम मुझे कभी घर में खेलने नहीं देती आपा। क्यों नहीं, तुम तो रोज घर में खेलते हो, तो अभी क्यों रोक रहे हो और शिकायत कर रहे हो। अब्दुल बारी, घर में इंडोर गेम खेला जाता है, इस तरह के खेल आउटडोर के हैं, लेकिन घर में खेलने में क्या हर्ज है। देखो अब्दुल बारी, दरअसल तुम्हारे जोर जोर से जंप मारने से कितनी आवाज आ रही है, और ये आवाज नीचे फ्लोर वालों को भी आ रही होंगी, तो इसमें हम क्या करें। अरे नीचे के फ्लोर पर कोई सो रहा होगा, या कोई बीमार होगा, कोई छोटा बच्चा सो रहा होगा और तुम्हारी जंप की आवाज सुनकर डर के रोने लगा, तो ऐसा करने से दूसरों को तकलीफ होगी, तो इसमें हमारी क्या गलती है। मैं तो अपने घर में जंप मार रहा हूँ, ये गलत सोच है अब्दुल बारी। क्या तुम्हें पता नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया। हाँ मुझे पता है, यही कि हम पड़ोसियों को नहीं सताए, लेकिन मैं थोड़ा ही उनके घर में जाके उनको सता रहा हूँ। हाँ भले ही हम अपने घर में रहे, इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हमें अपने पड़ोसियों का हर एतबार से ख्याल रखना चाहिए, और उन्हें हमारी जात से मतलब हमारी किसी भी हरकत से तकलीफ या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन आपा, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिससे उन्हें तकलीफ हो। अच्छा बताओ, अगर तुम बीमार हो जाओ और सर में बहुत दर्द हो रहा हो और हमारा पड़ोसी जोर जोर से चिल्लाए या खेले, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, अगर हम दोपहर या रात में सो रहे हो और किसी के बिला वजह आवाज करने से हमारी नींद खराब हो जाए, तब नहीं अच्छा नहीं लगेगा। और अगर हम अपनी पढ़ाई कर रहे हो और कोई जोर जोर से शोर मचाता रहे, तब नहीं, बिल्कुल गलत होगा ये। ठीक इसी तरह दूसरों को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें खेलने से नहीं रोक रही हूँ, बल्कि ऐसी हरकतों से मना कर रही हूँ जिससे दूसरों को तकलीफ हो सकती है। अब मैं समझा आपा, लेकिन नीचे के ग्राउंड फ्लोर के सामने दोपहर में सब क्रिकेट खेलते हैं और शोर मचाते हैं, और कितनी बार तो उनके बॉल दूसरों को जोर से लग भी जाते हैं, तो क्या ये ठीक है। नहीं अब्दुल बारी, अगर उनके ऐसे वक्त खेलने से दूसरों को तकलीफ होती हो तो ये गलत है, और उन्हें अल्लाह को इसका जवाब देना होगा। और थर्ड फ्लोर में शम्बो चाची के यहाँ हमेशा टीवी और डेस्क चालू रहता है, उस दिन तो यहाँ तक आवाज आ रही थी, तो क्या उन्हें भी अल्लाह को जवाब देना होगा। हाँ अब्दुल बारी, जो कोई अपनी जात और अपनी हरकतों से दूसरों को तकलीफ देगा, उसे अल्लाह को जवाब देना होगा, यही तो मैं कहता हूँ। और तुमने देखा आपा, मेरी हरकतों से पड़ोसियों को तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने घर में इस तरह के खेल बंद कर दिए हैं। बहुत अच्छे अब्दुल बारी। हाँ हाँ, लेकिन ये बात मुझे पहले ही से मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पड़ोसियों को सताने से मना किया है और उनके साथ अच्छा सुलूक करने को कहा है। तुम्हें तो हर बात पहले ही से मालूम होती है, अब चलो जल्दी से चलो आपा। और हाँ, आज मैं सीढ़ियों से उतरते वक्त भी मस्ती नहीं करूँगा ताकि शोर ना हो। अगर कोई बीमार हो या नींद में रहे, तो मुझे अल्लाह को जवाब देना होगा। माशाल्लाह अब्दुल बारी।